मित्रों, मेरे निवास के सामने एक पेड़ से मधुमक्खियां स्वतः ही उड़कर कहीं अन्यत्र चली गई और पीछे छोड़ गई अपना खाली घर। एक दिन किसी कामगार ने खाली छत्ता पेड़ से उतारकर मुझे सौंपते हुए कहा कि मैं इसके बारे में जानकारी और लोगों तक पहुंचाऊं। तो मित्रों, आज मैं आपसे इसके विषय में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। मधुमक्खी का छत्ता अर्थात उसका अपना घर, जो उन्हें तथा उनके परिवार को सुरक्षा देता है, इसे एक पक्षी के घोंसले की तरह भी समझा जा सकता है, जिसमें मधुमक्खियों की कुछ जातियां रहती हैं और परिवार को पालती हैं। छत्ते दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक छत्ता तथा दूसरा मानव निर्मित छत्ता। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले छत्ते मधुमक्खी की बस्तियां कहलाती हैं, जबकि पालतू मधुमक्खियां मानव निर्मित छतों में रहती हैं। ऐसी मानव निर्मित संरचनाएं भी मधुमक्खी का छत्ता कहलाती हैं। मधुमक्खियों की कई जातियां छतों में रहती हैं, लेकिन कुछ मधुमक्खियां शहद और मोम के लिए मनुष्यों द्वारा पाली जाती हैं। मधुमक्खियां मोम से 6 कोनों वाले खाने अपने छत्ते में बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियों के पेड़ पर ग्रंथियां होती है। मित्रों, मधुमक्खी के छत्ते की बनावट किसी अजूबे से कम नहीं। इसके छत्ते की बनावट कमाल की है। वर्ष 1999 में प्रोफेसर थॉमस सी हेल्स ने साबित किया कि एक जगह को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 6 कोनों वाला आकार सबसे बेहतर होता है और इन्हें सबसे कम सहारे की जरूरत पड़ती है। शायद मधुमक्खियां कम मोम का इस्तेमाल कर एक 6 कोनों वाला हल्का लेकिन मजबूत छत्ता बनाती हैं, जिसमें अधिक से अधिक शहद जमा हो सके। त्रिकोण या चौकोर या किसी और आकार से 6 कोनों वाला आकार श्रेष्ठतम है। मित्रों, मधुमक्खी तथा उसके छत्ते से संबंधित विषय जैसे मोम, शहद, मधुमक्खी को भगाने के उपाय, मधुमक्खी के काटने पर क्या किया जाए, मधुमक्खी का जीवन चक्र कैसा होता है, उसका छत्ता घर में होना शुभ होता है या अशुभ, इसकी प्रजातियां कितनी प्रकार की होती हैं, मधुमक्खी पालन को उद्योग के रूप में कैसे किया जाए, इत्यादि विषय बड़े विस्तृत हैं, किंतु फिलहाल इतना ही। शेष फिर कभी। धन्यवाद।